हेलो दोस्तों ज्ञान के दुकान में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम ल्यूसेंट जीके के असेंबली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीज देखेंगे लास्ट वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन देखे थे और ये वीडियो वीडियो जो है लास्ट वीडियो का पार्ट टू है तो थर्टीन क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था आइए फोर्टीन क्वेश्चन देखते हैं तो फोर्टीन क्वेश्चन द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्टीटेंट असेंबली तो आपको ये बताना है जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी असेंबली की उसके चेयरमैन का नाम आपको बताना है तो आपको हमने ये मेजर कमेटी के बारे में बताया था तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है इसके जो चेयरमैन है वो कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन डी दैट इज द सरदार पटेल सो so, ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है द नंबर ऑफ मेंबर्स इनक्लूडेड इन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर मेंबर्स की कितनी संख्या थी तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए सेवन सेवन मेंबर्स थे ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था ये सेवन मेंबर्स हुआ करते थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एंड एन गोपाल स्वामी बी आर अम्बेडकर के एम मुंशी मोहम्मद सादुल्ला बी एल मिट्टर डी बी खैतान फिर ये भी बताया था कि जब बी एल मिट्टर है वो हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था और जो एन माधव उन्होंने रिप्लेस कर दिया था फिर डी बी खैतान जो है बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी नाइनटीन फोर्टी एट में और उनको रिप्लेस किया था टी टी कृष्णमाचार्य ये भी बताया था ये आपको ध्यान देना है राइट आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज हेल्ड ऑन जो पहले सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का वो कब हुआ था

प्रियम्बल का रूप ले लेता है तो क्वेश्चन यह पूछा गया हु प्रपोज प्रियमल बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर क्या दट इज ऑप्शन ए दट इज जवाहरलाल नेहरू आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट्ली ऑफ इंडिपेंडेंटेंटेंटेंटेंट इंडिया आपको ये बताना है जो प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंब्बली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इनमें से कौन है? जो प्रेसिडेंट जो बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर वाम था दैट इज राजेंद्र प्रसाद तो परमानेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट उनको राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था

कास्ट क्लास कलर रिलीजन और जेंडर ये आपको ध्यान देना है और ये हमारे आर्टिकल में किस अनुच्छेद के अंदर आता है कभी कधार ये भी क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल तीन ये भी आपको ध्यान देना है आर्टिकल थ्री ठीक है राइट टू वोट जो है आर्टिकल 326 के अंदर है तो ये कभी कधर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है मौलाना आजाद की बात करें तो मौलाना आजाद जो है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की हम बात करें तो सबसे पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो मौलाना आजाद का जो जन्म है वो इलेवन नवंबर को हुआ था और इसी डेट को जो है नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है राइट नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको इसमें से बताया आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर इलेक्टेड बाय आपको ये बताना है कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते थे तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोविंशियल असेंबली ठीक है तो आपको पता होना चाहिए थ्री एटी नाइन टोटल मेंबर्स थे जिसमें टू नाइनटी सिक्स मेम्बर जो है वो

तो आपको पता है इसका आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द कॉन्टीटेंट असेंबली डेलिब्रेट अपॉन द फाइनलाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि किस पीरियड के बीच में जो कॉन्स्टिटेंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और फाइनलाइज करना शुरू किया आपको वो पीरियड बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि आउटलाइन ऑफ प्रीएम्बल की हम लोग बात करें जिसको हम ऑब्जेक्टिव रोल्यूशन कहते हैं वो थर्टीन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स में था राइट तो थर्टीन दिसंबर फाइनल कब हुआ फाइनली ट्वेंटी नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन में जाकर के हुआ था कम्पेडीज को लेकर के नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन तक का यहाँ पे

अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इसके अंदर टोटल 389 मेंबर्स थे बट 3 जून को जब माउंट बैटन प्लान आया था तब मुस्लिम लीग के 90 मेंबर्स थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था तो आप थ्री एटी में से 90 को माइनस करेंगे तो फिगर आएगा दैट इज टू नाइनटी नाइन तो पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के अंदर कितने थे तो करेक्ट आंसर विल भी टू तो क्लोज आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन ए ट्वेंटी का ए चला जाएगा थ्री हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यून असेंबली आपको यह बताना है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन जो थे के अंदर वो कौन थे तो ये हमने लिस्ट बनाई थी मेजर की और ये जो हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा का जाएगा सी दैट इज नेहरू आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाज फर्स्ट नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली

जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे तो इसका आंसर जाएगा एच सी मुखर्जी बट यहाँ पे चेयरमैन ना होकर के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं राइट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की बात करें तो इसमें आपको मैच करना है जो आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ कमिटीज़ हैं और ये चेयरमैन हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट के चेयरमैन कौन थे चेयरमैन थे सरदार पटेल ठीक है तो ए का फोर तो ए का फोर आप देख सकते हो ऑप्शन ए के अंदर ही नज़र आ रहा है ए का फोर तो बाकी भी सही होगा ऐसे में एलिमिनेट कर लिया बाकी भी हम लोग देख सकते हैं अब जैसे कोई ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता है तो डी का क्या होगा कौन होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन दैट इज़ बी आर अम्बेडकर तो डी का वन होगा ठीक है तो डी का वन तो सब में ही आ रहा है और फिर यूनियन पावर्स की बात करें तो यूनियन पावर जो कमेटी है उसके कौन चेयरमैन थे दैट इज ए जवाहरलाल नेहरू तो सी का टू हो जाएगा ठीक है स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उसका नाम था दैट इज राजेंद्र प्रसाद बट यहाँ पर इन्होंने के मुंशी दिया तो कहने का मतलब है, इसका जो है करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट इज ऑप्शन है तो ये आप ध्यान है राइट सो डियर फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय